2014 की कुरुक्षेत्र की रैली भी आप लोगों को याद हो गई, प्रधानमंत्री के वो बोल भी आप लोगों को याद होंगे, उसको लेकर क्या कहना है? शायद अब भी कानों में गूंजते हैं कि नहीं गूंजते वो बोल? वो बात बोली है, उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं बोलूं ना, यानी मोदी जी बिना मतलब के बात बोल रहे हैं। नाराज किससे? क्यों नाराज है? क्यों विरोध हो रहा है? कहां विरोध हो रहा है? कहां हुआ विरोध? वीडियो मैं दिखाऊं? आप बताइए, दिखाइए। कांग्रेस से अलग होने की क्या मजबूरियां रही नवीन जिंदल? मैं ये बोल देता हूँ, जो नवीन जिंदल जी है ना, वो एक एक चीज के चोर है, वो है दिलों के चोर। अब बात क्या है, जब 10 साल राजनीति से दूर रहे तो दूर रहना चाहिए था। अपने बिजनेस एम्पायर को बढ़ाते, अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा करते, उसको ही देख रेख करते, तो फिर राजनीति में क्यों दोबारा से एंट्री? क्या सवाल? आज के दौर में बिना स्वार्थ के कोई घर से बाहर नहीं निकलता। आप 12,000 किलोमीटर से चल के कुरुक्षेत्र आ गए, क्या स्वार्थ है नवीन जिंदल के साथ? दिलों से लोगों ने याद किया, लोग चाहते थे कि नवीन जिंदल आए, तो आखिरकार उस समय क्यों नहीं नवीन जिंदल आए? ऐसा क्या कारण रहा कि नवीन जिंदल को राजनीति से एकदम दूर हटना पड़ा? एक तरफ तो आप पैर याद लगाते हो नवीन जिंदल के, बोलते हो मुझे ब्लेस करो, आप तो वहाँ रह रहे हो, तो वही आगे 2 हफ्ते बाद आके आपके अगेंस्ट बोलता है। तो ये मतलब कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर बातचीत करने, कितना मजबूत मानते हैं नवीन जिंदल को दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले, चाहे वो अभय सिंह चौटाले हो, चाहे डॉक्टर सुशील गुप्ता हो। सेनापति हमारा इतना स्ट्रांग है नवीन जिंदल, तो ये तो जो सुशील गुप्ता है ये सेनापति नहीं, ये तो एक पीछे छोटा सा सिपाही है। केजरीवाल साहब ने जिसके आदमी के साथ रहे हैं उनके साथ धोखा किया है, ये पंजाब से स्टोरी शुरू होती है और एंड आके ये कांग्रेस पे हो जाएगी, आप देख लेना 4 जून। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो आज के दौर में भाई भाई का साथ नहीं देता, लेकिन 12,000 किलोमीटर से चलकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में एक व्यक्ति का साथ देने पहुंचे हैं, उस व्यक्ति से बातचीत कराएंगे। नाम है डॉक्टर विरक, जो ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे हैं और नवीन जिंदल के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैमरे पर हैं डॉक्टर विरक। नमस्कार विरक जी। नमस्कार थे, नमस्कार, सत श्री अकाल नायक साहब। और ये मैं तो ऑस्ट्रेलिया से पहुंचा हूँ और ये मीडिया के वो नायक है, ये मोहन नायक नहीं है, ये मीडिया के नायक है कैथल। चलिए, बहुत बहुत आभार। सवाल ये है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सनम, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो सवाल इस शेर व शायरी से आप जरूर समझ गए होंगे, कांग्रेस से अलग होने की क्या मजबूरियां रही नवीन जिंदल की? देखो, मैं नवीन जिंदल साहब को पिछले 8-9 साल से जानता हूँ, 10 साल से। जब पहले कांग्रेस में थे तब मैं इनको नहीं जानता था, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2004 से 2009 और 2009 से 2014 में, और 2014 में ये इलेक्शन हार गए। तो जब आदमी इलेक्शन हारता है तो उसकी एक सेटबैक लगता है, भी मैंने इतने काम किए 10 साल इन्होंने, और जब नवीन जिंदल जी 10 साल राजनीति में रहे तो बिजनेस का बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद इन्होंने एक हिसाब से पॉलिटिक्स को क्विट कर दिया, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देने लगे। तो क्योंकि उसके ध्यान देने लगे, ऐसी कोई इन्होंने कोई एक्टिविटी कांग्रेस की वहाँ की नहीं। हाँ, बट हमेशा कांग्रेस ने जो भी चाहा, सुश्री जिंदल जी रहे थोड़ा बहुत एक्टिव रहे, जो भी कांग्रेस ने चाहा भी हमें सपोर्ट करो ये करो वो करते रहे, पर एक्टिव कभी नहीं रहे। पर जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2016-17 के बाद उनके बाहर के चक्कर शुरू हुए, गेड़े शुरू हुए, तो नवीन जिंदल भी अकेला यहाँ इंडिया का बिजनेसमैन नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं, ओमान में भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, मोजाम्बिक में, सारी जगह पे है। तो जब भी ये जाते थे वहां पर नवीन जिंदल जी 2016-15, 16-17 के बाद, ये भी वहां प्राइम मिनिस्टर को, जब इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को मिलते हैं। जब नवीन जिंदल जी ऑस्ट्रेलिया गए टोनी एबट को मिले, टोनी एबट इनको मिला, प्राइम मिनिस्टर था। तो जब एक देश के प्रधानमंत्री टोनी एबट, एंथनी एल्बनी, अभी तो एंथनी एल्बनी, स्कॉट मॉरिसन जब अपने मिले, अपने नवीन जिंदल जी उनको सब मिले, तो सब लोगों ने मोदी जी की प्रेज की नेशन बिल्डिंग में। और अगर आप पार्टी लाइन को छोड़ दो, नायक साहब एंड ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपके कैमरे में, पार्टी लाइन को छोड़ दो, जो 10 साल पहले इंडियंस की रिस्पेक्ट थी वर्ल्ड वाइड और आज है जो इंडियंस की रिस्पेक्ट, वो मोदी जी की वजह से। और हमारे देखो दोनों चीजें हैं, मोदी जी की वजह से हमारी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी इंडियंस की, सबसे बड़ा जो हमारा दबदबा है सारी दुनिया में दबदबा है, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उसमें आप भी पार्ट होना एक साहब, और आपके कैमरामैन भी पार्ट है और सारे पार्ट है उसमें, तो उस वजह से भी हमारा दबदबा है। एक सेम आदमी लिबनान से आता है, एक सेम आदमी पाकिस्तान से आता है, एक सेम आदमी
अफगानिस्तान से आता है और एक सेम आदमी इंडिया से वहां जाता है ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में जाता है, तो वैल्यू जो पड़ती है देश की पड़ती है। अभी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में उनका सबसे बड़ा कंट्री है इंडिया है, और इंडिया का प्रधानमंत्री है जो उनका इंडिपेंडेंट, उन्होंने उनकी मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट है, तो एक इफेक्ट पड़ता है। उस वजह से नवीन जिंदल जी का ये परिवर्तन हुआ और यहाँ पर आए। विर्क साहब, आपने कहा कि इंडियंस की वैल्यू बढ़ी है मोदी जी के आने से, तो 10 साल का कार्यकाल नवीन जिंदल का कांग्रेस में रहा, क्या उस टाइम पे इंडियंस की वैल्यूज नहीं थी? देखो, पहली बात तो 10 साल 15 साल पहले इंडियंस इतने बाहर नहीं थे। अभी मैं बताता हूँ, 2006 में मैं वहां गया, वहां एक दो लाख आबादी थी ऑस्ट्रेलिया में। चलो हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, तो 2 लाख आबादी थी और सारे आज की जगह आज हमारी आबादी 10 लाख है। जब आप नंबर्स में ग्रो करते हो किसी भी कंट्री में तो अफेक्ट बढ़ता है। आज हमारी डीलिंग जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है वो 30 बिलियन डॉलर की ऑस्ट्रेलियन है, जिसको बोलते हैं 1,50,000 करोड़ रुपया। अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ, वो जाके 5 लाख करोड़ रुपये आ जाएगा। जब इतने आदमी जा रहे हैं तो फ्री बिजनेस बढ़ता है ना जी, तो आज की डेट में 10 लाख इंडियंस है वहां पर। तो जैसे जैसे जहां जहां इंडियंस बढ़ते हैं वहां इफेक्ट भी पड़ता है। मोदी जी की विजिट रही, हमारा प्रधानमंत्री पिछले 8-9 साल में, हमारा ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, चाहे मेलकम टर्नबुल है, चाहे टोनी एबट है, चाहे स्कॉट मॉरिसन, अभी एंथनी ने, कम से कम ऑस्ट्रेलिया से 10 से 15 विजिट हो चुकी हैं। मोदी जी 2 बार जा चुके हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी ऑस्ट्रेलिया में वो 1989 में राजीव गांधी की विजिट रही, उसके बाद दोबारा कोई नहीं पहुंचा। 29 साल में कोई विजिट नहीं हुई वहां पर ऑस्ट्रेलिया में। तो जब ये विजिट शुरू हुई मोदी जी की बात और हम आए टोनी एबट के साथ, तब ये जर्नी स्टार्ट। यानी कि साफ तौर पर ये समझा जाए कि पीएम की एंट्री नहीं है तो आम जनमानस इंडियंस की कैसे होगी? ऑफ कोर्स सर, जब पीएम जाते हैं, अब एग्जांपल ले लो, अब मोदी जी, हम लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया गए थे, BCR का फंक्शन हुआ, BCR की रैली हुई, इवेंट हुआ, जो भी लगा लो आप, पर हमारे जो देश में प्रधानमंत्री, हम आज तक, मैं लिबरल पार्टी में हूँ, अगर मुझे आज एंथनी एल्बनीज लिबरल पार्टी से है, हमारा अपना पीटर डटन है जो हमारा लिबरल पार्टी से है, जिसने नेक्स्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर पीटर डटन मुझे बोले भी डॉक्टर फिर 20 आदमियों का फंक्शन करो मेरे लिए, तो मैं नहीं कर सकता जी। तो मोदी जी के लिए फंक्शन हुआ, फ्री हुआ, फ्री इवेंट हुआ, लोगों ने अपने पल्ले से पैसे दिए, कोई BJP ने पैसा नहीं खर्चा वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, कोई वहां से हमारी एम्बेसी ने पैसा नहीं खर्चा जी, हमने वहां लोगों ने पैसा डोनेट किया। और आपके एक आपके शहर से एक विकास कालड़ा है, वो बिजनेसमैन है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो हर एक आदमी ने कंट्रीब्यूशन किया मोदी जी के लिए, राइट, देश के लिए। तो उसमें जो मतलब जो मूवमेंट आता है ना जी, और हमारे देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं एंथनी एल्बनीज पार्लियामेंट में, और अपना पीटर डटन बोलता है मोदी इज अ सुपर हीरो, तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। वीरक साहब, आज के दौर में बिना स्वार्थ के कोई घर से बाहर नहीं निकलता। आप 12,000 किलोमीटर से चल के कुरुक्षेत्र आ गए, क्या स्वार्थ है नवीन जिंदल के साथ? मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है, मैं आज आपके कैमरे में एडमिट करना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है अपने देश आने का, मेरा कर्म भूमि और जन्म भूमि है, मैं आदि जन्म भूमि बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ है। अगर मैं वहां भी रहा, मेरे पास सिडनी में 5 एकड़ का घर है, ड्यूरल जगह है, मेरी फैमिली है, दोस्त है, सारा कुछ है, हाँ मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है, मैं अपने भाई के लिए आया हूँ, मैं देश के लिए आया हूँ, और मुझे पता है जिस चीज के लिए आया हूँ ये इतिहास लिखा जाएगा फ्यूचर में भी। डॉक्टर विर्क एक उस शख्स के लिए राजनीति में आए थे यहाँ पर, उस शख्स के लिए हेल्प करने आए थे जो मोदी जी के विजन में जो नेशन बिल्डिंग हो रही है उसमें नवीन जिंदल प्रमुख भूमिका निभाएगा फ्यूचर में, इसलिए मैं आया हूँ, हाँ मेरा स्वार्थ है। विर्क साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री जब पीएम बने, नरेंद्र मोदी पीएम बने, तो 2014 की कुरुक्षेत्र की रैली भी आप लोगों को याद हो गई, प्रधानमंत्री के वो बोल भी आप लोगों को याद होंगे, उसको लेकर क्या कहना है? शायद अब भी कानों में गूंजते हैं कि नहीं गूंजते वो बोल? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला जी, मैं इंडियन पॉलिटिक्स में था नहीं, मैं ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में हूँ। वीडियो तो आपने भी देखी होंगी? नहीं सर, मैंने वीडियो देखी है, जरूर देखी है। क्या होता है जब ना आप कई बार गुस्से में, इलेक्शन चलती है, मियाँ बीबी में भी कई बार नोकझोंक होती है बात, पर उसके मतलब नहीं होता कोई। इलेक्शन में जो है मोदी जी आए, उन्होंने बोल दिया, पर जो वो बात बोली है उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं बोलूँ ना, यानी मोदी जी बिना मतलब के बात बोल रहे हैं, नहीं मतलब कई बार इलेक्शन में होती नहीं है जी वो चीजें, वो आदमी बोल देता है एक जस्ट फ्लो में। हाँ मैं ये बोल देता हूँ, जो नवीन जिंदल जी है ना, वो एक एक चीज के चोर है, वो है दिलों के चोर।
जिससे आदमी नवीन जिंदल कनेक्ट करता है। और ये अकेला नवीन जिंदल नहीं है जी, सुवित्री जिंदल जी, शालू जिंदल जी, दिलों का चोर बोलना चाहिए था, उसका को चोर तो नहीं बोलना चाहिए था। नहीं ऑफ कोर्स, ये तब की तब 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 मैं पार्ट नहीं था उस पार्ट का, 2014 में मैं नहीं था तो, पर जो जो तब भी जो केस हुए वो कांग्रेस के टाइम हुए नवीन जिंदल के बाद, मोदी जी के टाइम नहीं हुए। अगर आप बोले भाई मोदी जी ने कुछ कुछ कर दिया नवीन जिंदल के बारे में, नो, 2014 से लेकर आज 2024 आ गई, मोदी जी ने कुछ कोई ऐसा ऐसा काम नहीं किया नवीन जिंदल के अगेंस्ट जहां पर हम उनको गुस्सा लगे। ये जो केस भी हुए और जो उस, वो केस अभी कोर्ट में है जी, और जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, राइट। आज आपके पास तो फैसला करेगा, आज आपके पास नायक साहब आपके जेब में 1000 रुपया हो और आपको कोई बोले भी आपने 2 रुपए की चोरी की, तो लॉजिक नहीं है, राइट। तो ये नॉन सिग्निफिकेंस इशू है और ग्राउंड में मैं महीने से यहाँ हूँ और ये वो ही नहीं है। तो नवीन जिंदल जी ने जितने काम कर रखे हैं इस एरिया में तो उसके सामने ये चीजें कुछ भी नहीं है। 10 साल से कहां थे, 10 साल से लोग इंतजार करते रहे। 2014 के इलेक्शन के बाद 2019 में नवीन जी का इंतजार हुआ, मैंने बहुत दिलों से लोगों ने याद किया, लोग चाहते थे कि नवीन जिंदल आए, तो आखिरकार उस समय क्यों नहीं नवीन जिंदल आए, ऐसा क्या कारण रहा कि नवीन जिंदल को राजनीति से एकदम दूर हटना पड़ा? शायद 2014 का जो प्रकरण मोदी जी कह गए शायद वो कारण था या कोई और कारण था? वो कारण बिल्कुल नहीं था। वो कारण क्या था, कारण क्या, मैं बताता हूँ कारण जी आपको। जो भी एक आदमी इतना बड़ा बिजनेसमैन हो, आज आप अपना मीडिया चलाते हो, आप ऐसे करो ये सारा कुछ बंद करके मेरे साथ चलो, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले चलता हूँ, आपका जो ये कैथल टीवी है जो आपका बिजनेस चल रहा है ये डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो सेम चीज नवीन जिंदल जी के साथ हुई, इतना बड़ा एम्पायर था, जब 10 साल आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने देश के लिए लगाए तो बिजनेस डाउनफॉल शुरू होना शुरू हो गया। तो फैमिली में कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था, उनके उनका बेटा तब पढ़ रहा था, छोटा था, वेंकटेश जिंदल, वो नहीं संभाल सकता था। आज वेंकटेश जिंदल संभालता है, ठीक है ना। पर जो नवीन जिंदल जी ने काम किए, ओके आप बोलते भाई चले गए, जब कोविड आया 2020 में कहां थे नवीन जिंदल? नवीन जिंदल ने हजारों लाखों टन ऑक्शन भेजी के नहीं भेजी ना, एक साहब आपके ना हरियाणा में भेजी ना ऑक्शन भेजी, तो सुवित्री जिंदल जी रहे बीच में, तो चैरिटी तो उनकी चल रही है जी ना। तो वो पर जब एक आदमी ना राजनीति में जब आपका बिजनेस इतना बड़ा एम्पायर हो जाता है फिर वो नुकसान होता है। फिर अभी अभी उन्होंने मेहनत की, उस मेहनत के जरिए से आज वो नंबर वन है इंडिया में स्टील में, जिंदल स्टील। तो ये दर्शाता है कि नवीन जिंदल जहां भी जाता है, जिस एरिया में जाता है, पार्लियामेंट में जाता है वहां टॉप का काम करता है, बिजनेस में किया उसमें टॉप का किया, फिटनेस में किया वो टाइप का काम। आज की डेट में सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर अगर कोई इंडिया में है जो पोलो खेलता है, जो घोड़े को ऐसे घुमाता है, वो नवीन जिंदल है 54 ईयर्स एज में, और कोई भी नहीं है। ही इज द मोस्ट फिट पर्सन इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया राइट नाउ। चलिए चलिए ये बताइए मुझे डॉक्टर साहब, अब स्वार्थ क्या है? जब 10 साल राजनीति से दूर रहे तो दूर रहना चाहिए था, अपने बिजनेस एम्पायर को बढ़ाते, अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा करते, उसको ही देख रेख करते, तो फिर राजनीति में क्यों दोबारा से एंट्री, क्या स्वार्थ है? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा नायक साहब। जिंदगी के 3 फेज होते हैं लाइफ में, जो बोला जाता है शास्त्रों में बोला जाता है, 1 से 25, 25 से 50 और 50 से 75। जब वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने उनकी उम्र 34 साल थी, 34 से लेकर 44 साल तक उन्होंने अपने राजनीति में दिया, उस चक्कर में बिजनेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जैसे मैंने अपने बोला है। तो जो जीवन का तीसरा फेज होता है वो है 50 से 75। जो मेरी बातें हुई, जब हमारी बातें हुई, वो हमेशा जब मिलते थे मेरे, नेशन बिल्डिंग की बात करते थे, भाई डॉक्टर साहब हमने ये करना है, ये मुझे कमियाँ लगती हैं, ये करनी है। तो मैंने उनको बोला है भाई जिंदल साहब ऐसे है, एक ही रास्ता है, और उनको ये पता है रास्ते का भी, एक ही रास्ता है वो है नेशनल बिल्डिंग का, आपको राजनीति में वापस आना पड़ेगा, आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपका अभी बेटा बड़ा हो गया है वेंकटेश जिंदल, आप अपना काम उसको संभालो, आप प्लीज़ हमारे पास आओ और नेशन बिल्डिंग में आप अपनी भूमिका निभाओ। तो ये जो ये वाला फेज़ है नवीन जिंदल का, जो 50 से 75 वाला है, अभी 21 साल रहते हैं उस फेज़ में, वो नवीन जिंदल अपना वो जो फेज़ है वो देश के लिए लगाने आए। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि नवीन जिंदल जी को और सावित्री जिंदल जी को एंट्री करवाने वाले और कमल का फूल हाथ में थमवाने वाले आप ही चाह रहे हो। नो बिल्कुल नहीं है, मैं तो उसका दोस्त हूँ, भाई हूँ, राइट। कहने का मतलब जो नवीन जिंदल की, मैंने आपको पर्सनल बोला है, जो नेशन बिल्डिंग में नवीन जिंदल की सोच थी वो सोच एक ही आदमी पूरा कर सकता था, वो था नरेंद्र मोदी। सूत्रधार बने हो, सूत्रधार बने हैं सर, सूत्रधार हर एक आदमी होता है, सूत्रधार मैं भी हूँ, कोई और भी है, सूत्रधार हर एक आदमी है जो नवीन जिंदल के साथ लगा हुआ है। तो सूत्रधार जब बनते हैं, जेड़ा तुसी आ धागा पाया हुआ, ये धागा डाला हुआ है, ये एक धागा नहीं है, सिंगल धागा, राइट, जो हमने बांधा हुआ है, तो इसमें भी 50 या 60 धागे होंगे,
एक धागा तो टूट जाएगा, तो इसमें भी 50 धागे हैं नाइक साहब, तो वैसे ही जिंदल साहब के पास कई धागे हैं, उनमें से एक धागा मैं हूँ जो उसमें सूत्रधार बना हूँ, जो सूत्रधार बना हूँ। अच्छा, चलिए कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर बातचीत कर लें, कितना मजबूत मानते हैं नवीन जिंदल को दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले, चाहे वो अभय सिंह चौटाला हो, चाहे डॉक्टर सुशील गुप्ता हो, या अभी नए नए आए उनको लेकर। देखो ये अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है अभय सिंह जी अपने जाटों के नेता रहे, चौधरी देवीलाल जाटों के बहुत बड़े नेता थे, और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, चौटाला साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जाटों में अभय सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव है, बट सारे जाट भी उनके साथ नहीं है, जितने हैं वो नेता है ना, बाकी रहेगा सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता जी को मैं नेता मानता ही नहीं, मतलब अगर मैं 10 में से नंबर देना हूं नेता में तो मैं उनको 0 नंबर देता हूं। जो राज्यसभा की सीट ली तो सबको पता है कैसे ली, वो यहाँ के है भी नहीं, उन्होंने कोई उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर आप उनकी स्पीचेस निकाल लो, उनकी कोई भी स्पीच नहीं है जो किसी का कोई रेलिवेंस हो पार्लियामेंट में। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन भी करूँ, दोनों का कंपैरिजन कोई नहीं है। नवीन जिंदल जी का आप मतलब आप बिजनेस का लगा लो, उनकी चैरिटी का लगा लो, एज ए शख्सियत लगा लो उनकी, नवीन जिंदल की जो जो उन्होंने काम किए हैं, तो सुशील गुप्ता जी उनके पास में भी नहीं है, मतलब कहीं पर कंपैरिजन नहीं है। तो बोलना कैमरे के सामने अच्छा नहीं लगता, जब जब हम बोलते हैं आप पूछते हो कंपैरिजन है। आरोप तो बहुत लगते हैं आप लोगों को, बड़ा धड़ल्ले से आरोप लगाते हैं, आप कहते बोलना नहीं आता, लेकिन आरोप बहुत जबरदस्त जबरदस्त आप लोगों पर लगाते। देखो मैं देखो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आरोप लगाते हैं, तो ऐसे आदमी को मैं क्या बोलूं, सुशील गुप्ता को क्या बोलूं। ये 2 महीने में सेम आदमी जिंदल साहब के पास आया, तो उन्होंने बोला आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, भी मैंने तो इलेक्शन लड़नी है, और जिंदल साहब का तो तब कोई टाइम ही नहीं था भी मैंने इलेक्शन लड़नी है कि नहीं। ऐसा आदमी एक तरफ तो आप पैर याद लगाते हो नवीन जिंदल के, बोलते हो मुझे ब्लेस करो आप तो वहां रह रहे हो, तो वही आग में 2 हफ्ते बाद आके आपके अगेंस्ट बोलता है। ये मतलब ये ना अपने कहना बाणी वाली गल नहीं है ये। अब मैं सोच रहा था कि इस सवाल को करूं या ना करूं, लेकिन अब आपने जिगरा छेड़ ही दिया है, तो मैं सोच रहा हूं कि पूछ ही लेता हूं। हां पूछिए। जब सुशील गुप्ता को टिकट मिली तो वो नवीन जिंदल के पास गए थे, नवीन जिंदल ने कहा कि मैं चुनाव आपके सामने नहीं लड़ूंगा, उन्होंने आश्वासन दिया, फिर एक मोड़ पर आकर धोखा क्यों दे दिया? ये बिल्कुल 1000% झूठ है जी। ना तो उन्होंने बोला मैं खिलाफ नहीं चुनाव लड़ूंगा, ये कोई बात नहीं, तब तक उनका कोई लेना देना नहीं था चुनाव के टाइम। जब वो गया था तब सैनी साहब यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी कैमरे से बता रहा हूँ, जब सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सैनी साहब, और वो उन्होंने इलेक्शन लड़नी थी आगे, तो नवीन जिंदल का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चर्चा था नवीन जिंदल की, चल रही थी भाजपा में आके नवीन जिंदल जो है वो चुनाव लड़ेंगे कुरुक्षेत्र। सर ऐसे चर्चा तो आप लोग चलाते हो, जो मर्जी चला दो चर्चा, तो फिर हमारी चर्चा पे मोहर लगी, नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से ही लड़ रहे हैं। पर भाई जी, पर सैनी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जब सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने सैनी साहब ने लड़ना था, जब सैनी साहब को मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया तो तब ये सीट खाली होगी, जब खाली होगी तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया जिंदल साहब को, भाई अभी ये खाली है तो आप प्लीज हमें आप चाहता हूँ भी मेरे आप अर्जुन बन के कुरुक्षेत्र में जाइए युद्ध में। तो तब नवीन जिंदल जी ने सोचा, परिवार में बैठे भी ऐसे करके सब परिवार की सहमति हुई भी, चलो ठीक है जी आप अपने, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, ये कोई छोटे डिसीजन नहीं होते नायक साहब, ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है जिंदल साहब का, एम्पायर का, उस एम्पायर को छोड़ के आना, ये फैमिली में बैठना था, डिसीजन लेना था, उस उनमें उनको 4-5 दिन लगे, फिर देन ही टुक अ डिसीजन एंड देन मोदी जी गेव द टिकट एंड ही इज बैक अगेन। 2 बार MP रह चुके हैं, और आपके कैमरे से बोल रहा हूँ 3री बार फिर बनने जा रहे हैं। अच्छा चलिए, जीत का लेकर कितना आश्वस्त हैं? सर ऐसे है, अगर आप लोगों का माहौल देखो ना, कल हमारा शालू जिंदल जी का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हमारी रैलीज हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, अपने अपने प्रधान नड्डा साहब अभी कैथल आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कलायत आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, राइट, तो जो मोदी जी आ रहे हैं, तो कहने का क्या मतलब है, आज की डेट में हर एक आदमी, हमारे पास तो वर्करों की इतनी टीम है, फौज है हमारे पास, जैसे बोलते हैं ना जी इंडियन आर्मी में 14 लाख फौज है, तो वैसे BJP के पास इतनी बड़ी फौज है नीचे, हैं जो हमें मतलब इतना वो रखती है, पंप अप रखती है, तो मैं जो इन्होंने सिस्टम सेटअप करके हम किया हुआ है BJP में, वो किसी के पास नहीं है। तो मैं ये गारंटी से बोलते हूँ, सुशील गुप्ता जी के पास हमारे से 1/10 फोर्स भी नहीं है, और उनका वो अगर सेनापति की बात करो, जो आप मेरे से पहले पूछ रहे थे, तो सेनापति हमारा इतना स्ट्रांग है नवीन जिंदल, तो ये तो जो सुशील गुप्ता, ये सेनापति नहीं, ये तो एक पीछे छोटा सा सिपाही है। कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, लोग नाराज हैं, किसान किससे नाराज है, जिंदल साहब से नाराज, किससे नाराज है, क्यों विरोध हो रहा है, कहाँ विरोध हो रहा है, कहाँ हुआ विरोध, वीडियो मैं दिखाऊं, आप बताइए, दिखाइए, सिर्फ एक बार विरोध हुआ, किसान आए, 20 किसान आए,
विरोध हुआ जिंदल साहब का, जिंदल साहब हमने वही गाड़ियां खड़ी की, जिंदल साहब उनको मिले, सारे किसानों ने भी किसानों ने जफियां पाईया भी हमारे इश्यूज रहे हैं पर आपके साथ कोई इशू नहीं है, मैं आपको वीडियो में भेज दूंगा शाम। कर्मचारी नाराज हैं, किसान नाराज हैं और तमाम लोग नाराज भाजपा से नजर आते हैं, नवीन जिंदल से चलो नाराजगी नहीं है लेकिन भाजपा से नाराजगी है। भाजपा का कमल का फूल नवीन जिंदल लेकर मैदान में है, क्या लगता है कि इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव की महाभारत से नवीन जिंदल होंगे वो अर्जुन जो जीत कर दिल्ली की संसद में बैठेंगे? ये देखो नाराजगी जो होती है नायक साहब, इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ आबादी है, 18 लाख वोटर हैं क्षेत्र में, अगर मैं कल को आपको सीएम बना दूं ना, आपके अगर 100 रिश्तेदार होंगे बीच में 50 वो भी नाराज हो जाएंगे, तो नाराजगियां हमेशा रहती हैं पॉलिटिशियंस के पास। कोई आदमी काम कर सकता है, कोई आदमी कई बार चीज नहीं कर पाता, राइट। हो सकता है बीजेपी अपने जो यहाँ पर जो सरकारें नहीं है कहीं ना कहीं कमी पेशी रही होगी, पर मैं आपके कैमरे से आज बता सकता हूँ, आप नवीन जिंदल को अपना एडवोकेट बना लो कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये वो एडवोकेट बनेगा आपका, आप इन ये वो एडवोकेट, ये नेता वो बनेगा भाई, आप सोच भी नहीं सकते। दिल्ली में वकालत देश के सबसे बड़ी महापंचायत 100% वकालत क्या जी, ये मतलब इस फैमिली ने नायक साहब, इस फैमिली ने आपको देना ही देना है, लेना तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने पहले करके दिखा दिया 10 साल, अभी भी चल रहा है वो प्रोग्राम, अभी इतनी बड़ी और स्किल यूनिवर्सिटीज लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल के वार से और भगवत मान के रोड शो से कैसे बचोगे? देखो ऐसे है, ये कितने आपने बहुत अच्छी बात की भी, केजरीवाल का शो रोड शो हुआ, फ्लॉप हुआ सारा, अभी भगवंत मान जी आ रहे हैं, अपने भाई हैं वो, पंजाब के सीएम हैं, पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ जी, ये कितनी ज्यादा हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं आम आदमी पार्टी के। 50 किलोमीटर दूर संगरूर में ये मतलब एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं दोनों पार्टीज, हर एक जगह इनकी लड़ाई है, कहाँ पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी हर एक सीट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो किस मुंह से मैं तो पूछना चाहता हूँ भगवंत मान को, वो अगर आ रहे हैं कल तो किस मुँह से आम आदमी पार्टी यहाँ बोलेगी आके। आप देखो नायक साहब, और मैं बताता हूँ, केजरीवाल साहब आए, क्या केजरीवाल साहब के रोड शो में एक भी कांग्रेस का आदमी था बताइए? नहीं था। कांग्रेस के किसी आदमी का उन्होंने नाम लिया ना? हुड्डा जी का नाम लिया ना, सुरजेवाला जी का नाम लिया यहां से, तो जब आप किसी का नाम ले ही नहीं सकते तो कोलिशन किस बात की है? तो ये दर्शाता है, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं आम आदमी पार्टी के, इन पे आप यकीन नहीं कर सकते। केजरीवाल साहब ने जिस आदमी के साथ रहे हैं उनके साथ धोखा किया, ये पंजाब से स्टोरी शुरू होती है और एंड आके ये कांग्रेस पे हो जाएगी, आप देख लेना 4 जून को। 4 जून को रिजल्ट सामने आ जाएगा। हाँ जी, रिजल्ट सामने आ जाएगा। चलिए, तमाम लोग देख रहे हैं, 25 मई भी पास में है, क्या अपील रहने वाली है? मेरी तो यही अपील है जी, मैं तो वहां से आया हूँ, अपने भाई के लिए आया हूँ, और ये ऐसा 800 करोड़ की आबादी में, दुनिया की 800 करोड़ आबादी है, ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ, ऐसा परिवार नहीं पैदा हुआ। मैं दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स को जानता हूँ, जिस आदमी में सेक्रीफाइस की भावना है नवीन जिंदल में, अगर आप, मैं तो हाथ जोड़ के मामल और हर एक कम्युनिटी से बोलता हूँ, इसको आप अपना मेंबर पार्लियामेंट बनाओ नवीन जिंदल जी को, मोदी जी इसी नगीने को आगे जाके मंत्री बनाएंगे, और ये आवाज़ अकेले कुरुक्षेत्र की नहीं, ये देश की आवाज सारी दुनिया में बनेगा जी नवीन जिंदल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू नायक साहब, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर विरक, जो 12,000 किलोमीटर से ऑस्ट्रेलिया से जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा में पहुंचे हैं और लगातार नवीन जिंदल के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 4 जून को पता लगा है कि कुरुक्षेत्र के रण का रखवाला कौन होगा और कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव की महाभारत में कौन सा वो अर्जुन होगा जो दिल्ली की संसद में बैठ के देश के लिए और कुरुक्षेत्र लोकसभा के मुद्दों को लेकर दहाड़ेगा। इस वीडियो कहां देखते हैं कमेंट बॉक्स में राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।